जयपुर में पहले चरण में मतदान हुए थे 19 अप्रैल को, और आज जो है लोकसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। और इन नतीजों में नागपुर की अगर बात करें तो नागपुर से नितिन गडकरी ये अभी भी आगे चल रहे हैं, और इनके जीत जो है यहाँ से पक्की मानी जा रही है। उनके घर पर भी जो है ढोल नगाड़े बजाकर जल्लोष किया जा रहा है, और यहाँ पर जो है पहले राउंड से ही नितिन गडकरी ये मत जो गिने गए हैं मत, उनमें वो आगे दिखाई दे रहे हैं। और अब जो है वो उनकी आगे जो है वो उन्होंने जो है जीत जो है बरकरार रखी है, और आगे और भी राउंड होने हैं, मतगणना होनी है, उसमें आगे क्या होता है ये देखना होगा। लेकिन उनकी जीत जो है ये पक्की मानी जा रही है, उनके घर पर जल्लोष किया जा रहा है कार्यकर्ताओं द्वारा। और नागपुर से जो हाई प्रोफाइल सीट थी, सेफ सीट थी, ये मानी जा रही थी, जो टक्कर हुई, कांटे की टक्कर भी हुई थी, कहीं ना कहीं परिवर्तन की भाषा कही जा रही थी। लेकिन जो मतगणना शुरू हुई, पहले राउंड से पोस्टल की मतगणना हो या पहले राउंड से अब तक जितने राउंड हुए उसमें नितिन गडकरी ये आगे चल रहे हैं, और कई मतों से वो आगे होने की बात जो है सामने आ रही है, जो मतगणना हो रही है उससे। और देखा जा रहा है अब जो चित्र सामने आ रहा है, स्थिति स्पष्ट हो रही है, कहीं ना कहीं गडकरी जी की जीत जो है पक्की मानी जा रही है। और उसे देखते हुए जो है कार्यकर्ताओं का उत्साह भी देखा जा रहा है, कार्यकर्ताओं के द्वारा उनके निवास स्थान पर जो है ढोल नगाड़े बजाकर जल्लोष किया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से जो खबर आई थी, सुबह से उनके घर के सामने जो है ढोल जो है ढोल को बुलाया गया था ढोल बजाने के लिए, और ये जैसे जैसे स्थिति निर्माण हुई, जैसे जैसे आंकड़े आगे आ रहे थे, वैसे वैसे स्थिति स्पष्ट होने के बाद जो है ये जल्लोष मनाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो सेफ सीट मानी जा रही थी, आखिरकार वो सच में सेफ सीट होने की जो है ये बात यहाँ पे जो है सिद्ध हो रही है, ऐसा कहना ये गलत नहीं होगा, क्योंकि अभी कुछ ही घंटे बाकी है पूरे मतगणना होने में और रिजल्ट आने में। लेकिन जिस तरह से स्थिति पहले से बनी है, पोस्टल मतगणना से लेकर अब तक जितने राउंड हुए हैं उसमें जो है नितिन गडकरी ये लगातार आगे बने हुए हैं, और कई मतों से वो आगे बने हुए हैं, तो इससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गडकरी जी की जीत जो है ये होनी तय है। तो अब तक जितने आंकड़े आगे आ रहे हैं, जो मतगणना हुई है उसमें दिखाई दे रहा है कि 40,000 मतों से गडकरी ये जो है आगे चल रहे थे। और पहले राउंड में तो वो जो उनके प्रत्याशी थे विपक्ष के विकास ठाकरे, उनके ही क्षेत्र से वो 2,000 मतों से आगे थे, 2 से 3,000 मतों से वोटों से वो आगे चल रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये अनुमान पहले से ही लगाया जा रहा था, जैसे कि जीत तो पहले से ही कुछ लोगों ने मानी थी कि गडकरी यहाँ से जीत कर आएंगे। और आज जो है जिस तरह से पहले राउंड से जो मतगणना सामने आ रही है, वोटर्स की गिनती, जो वोटों की गिनती सामने आ रही है, उसमें कहीं ना कहीं गडकरी ये आगे दिखाई दे रहे हैं, और वो जो उनके वो जो आगे रह चुके हैं वो अभी तक वो बरकरार है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गडकरी जी यहाँ से जीतना ये सच है, वो जीतेंगे। जीत का जो दावा उन्होंने किया था, कहीं ना वो कहीं वो सच होगा ऐसा लग रहा है, जो अभी तक के आंकड़े आ रहे हैं। 40,000 वोटों से वो आगे चल रहे हैं, और उनके घर पर जो है, उनके निवास स्थान पर जो है, उनके कार्यकर्ताओं द्वारा जो है यहाँ पर जल्लोष किया जा रहा है। कैमरा पर्सन राजकुमार मौड़ के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।